तो दोस्तों प्रीव्यू में जिस तरह स्टेटस को आपने देखा, इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, एकदम आसान है ये स्टेटस को बनाना, तो वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है एक कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो यूज करने वाला हूँ फोटो सभी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फाउंड यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना, तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद देखो प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा, और प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो जो लिरिक्स है मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ और इसमें इफेक्ट भी देकर रखा हूँ, तो आपको क्या करना होगा, देखो ये जो फोन है ये फोन को खाली ऐड करना होगा। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फोन लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना और लाइट मोशन में इनपुट कर लेना। तो लाइट मोशन में फोन को कैसे इनपुट करते हैं वो अगर नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट कर देना, आपको एक वीडियो लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले देखो जितने सारे लिरिक्स लेयर है ये सभी लेयर को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो जो इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा, देख सकते हो। और जो फोन है सबसे पहले फोन को ऐड कर लेना, तो फर्स्ट बीट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा, तो फोटो ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो को ऐड करने के बाद ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना, और इधर से फिर कंपोजिशन एरो को टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो मूव वाला ऑप्शन में आ जाना और ऐसा करके फोटो को ठीक से एडिट कर लेना, मिडिल कर लेना। मिडिल करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में आ जाना, तो लास्ट में आने के बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो देख सकते हो फोटो का जो लेयर है एकदम लास्ट में आ गया। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, एकदम फर्स्ट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों एक ब्लैक शैडो ऐड करेंगे ऊपर में, तो ब्लैक शैडो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना और ये वाला रेक्टेंगल को ऐड कर लेना। उसके बाद ऊपर में जो थ्री डॉट यहाँ पर टच करना होगा और इधर से फिर कंपोजिशन एरो को टच कर देना, और ये जो कलर ऑप्शन है कलर एंड फिल ऑप्शन में आना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और ये जो डॉट है ब्लैक डॉट ये डॉट को ऐसा करके एडिट कर लेना। देखो तो ठीक से एडिट कर लेना। ठीक से एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना, मिडिल में जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना, और ये जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना, मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको थोड़ा कम कर लेना। देखो तो मैं 80% कर लिया हूँ। देखो तो ऐसा करके ठीक से ये जो रेक्टेंगल है उसको एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, तो रेक्टेंगल का जो लेयर है एकदम लास्ट में आ जाएगा, देख सकते हो। तो ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा और एकदम नीचे आ जाना, और जितने सारे लेयर है सभी लेयर के नीचे ये फोटो लेयर को रखना होगा। देखो ये जो सॉन्ग है सॉन्ग के ऊपर रख देना, उसके बाद फिर से फर्स्ट में आ जाना, ये जो रेक्टेंगल है उसको भी ऐसे करके नीचे ले आना, और ये जो मेन फोटो है उसके ऊपर रखना होगा यहाँ पर। देखो तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको देखो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो फिर से फर्स्ट में जाना, फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों तीन इमोजी ऐड करेंगे, तो तीन इमोजी ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना और इधर से तीन इमोजी को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए तीन इमोजी ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच करना होगा, और यहाँ पर जो रैपिडिटी ऑप्शन है यहाँ पर टच करके जो साइज है इमोजी साइज अपने हिसाब से कर लेना, और ये जो बॉक्स है देखो यहाँ पर टच करना होगा, मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना, और यहाँ से दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना होगा, एकदम लास्ट में आना होगा, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और ये जो मूव वाला ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो इमोजी फोटो है इमोजी फोटो को रख देना। और रखने के बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो ऐसे करके दबा के रखना होगा और एकदम नीचे आ जाना, सभी लेयर के नीचे रखना होगा। देखो ये जो लिरिक्स लेयर है उसके नीचे रख देना,
और जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर रखना होगा, देखो कुछ इस तरह। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो मैन फोटो है, ये मैन फोटो में आप इफेक्ट देंगे। तो मैन फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, और देखो ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आना होगा। ये जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट में आ जाना। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद ये जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो फोटो में कुछ इस तरह हमारा इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब क्या करना, फिर से फर्स्ट में आना, और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे। तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ये जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है इसको ऐड कर लेना। और इसको ऐड करने के बाद दोस्तों ये जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो ले आ रहा है इसको टच करना होगा, और ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करके इसको फिर कंपोजिशन आ रहा कर लेना। और यहाँ पर जो ब्लेंडिंग ऑपेसिटी ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा, लाइटिंग ऑप्शन को टच करके स्क्रीन कर लेना। और दोस्तों एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आना होगा। लास्ट में आने के बाद दोस्तों देखो जो बीट है यहाँ से ब्लैक स्क्रीन वीडियो का जो लेयर है बाकी का पार्ट उसको कट करके हटा देना। तो कुछ इस तरह हमारा जो देखो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है वो ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह। तो दोस्तों फिर से फर्स्ट में आ जाना, फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों एक बॉर्डर को ऐड करेंगे फर्स्ट में। तो ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों जो बॉर्डर है ये बॉर्डर को ऐड कर लेना। देखो ये वाला बॉर्डर को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन में आना होगा, नीचे जो मिडिल में जो शेडो, सॉरी दोस्तों नीचे जो शेडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से शेडो को ऑन कर लेना। ये जो साइज साइज अपने हिसाब से रख लेना, एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो है बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा करके आप भी स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो उसके लिए देखो ऊपर में उस चार ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंदी।